हेलो दोस्तों, तो एक बेसिक इलेक्ट्रिकल के एक नए लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम पोटेंशियोमीटर के बारे में बात करेंगे। तो क्या होता है पोटेंशियोमीटर? पोटेंशियोमीटर जो है ये हम लोग वोल्टेज मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए तो वोल्ट मीटर है हम लोगों के पास, तो इसका क्या ज़रूरत है? इसका ज़रूरत इसीलिए इसके लिए है कि जब भी आपको कोई सेल की वोल्टेज जो बहुत ही छोटा है, ऐसा वोल्टेज अगर मेज़र करना है आपको, तो आपको एकदम एक्यूरेट वोल्टेज मेज़र करना होगा। तब आपका कोई जो अगर कोई कुछ एरर आएगा तो बहुत ही ज़्यादा एरर आ जाता है अगर आप ये वोल्ट मीटर से मेज़र करते हैं, क्योंकि वोल्ट मीटर में जो वोल्ट मीटर जो है वो मेज़र जब करते हैं तो उसके थ्रू करंट फ्लो करता है, तो उसके इंटरनल सर्किट में एक ड्रॉप होता है जो जिसके वजह से आपको एक एरोडियस रिजल्ट मिलता है। अगर आप पोटेंशियोमीटर से मेज़र करेंगे तो पोटेंशियोमीटर क्या है? पोटेंशियोमीटर एक नाल टाइप इंस्ट्रूमेंट है। नाल टाइप मतलब ये जब मेज़र करते हैं कुछ, तब जो सिस्टम है वो बैलेंस रहता है वेस्टर्न ब्रिज की तरह, तो कोई ड्रॉप नहीं होता है। इसके वजह से आपको एकदम एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है। तो क्या है ये पोटेंशियोमीटर और क्या करते हैं? पहले हम एक एप्लीकेशन लिख लेते हैं इसका। जो फर्स्ट जो एप्लीकेशन है, इससे हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं? ईएमएफ मेजर करते हैं, ईएमएफ ऑफ अ गिवन सेल। और हम इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी मेजर कर सकते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस भी इसका मेजर कर सकते हैं। और ये पोटेंशियोमीटर में दो सर्किट रहता है, दो पार्ट से ये बनता है। वन है आपका प्राइमरी पार्ट और दूसरा है सेकेंडरी पार्ट। मतलब काम के हिसाब से सेकेंडरी पार्ट जो है वो चेंज हो सकता है काम के हिसाब से, लेकिन प्राइमरी पार्ट जो है वो फिक्स्ड है। ठीक है, तो प्राइमरी पार्ट में क्या रहता है? प्राइमरी पार्ट में फर्स्ट रहता है एक वायर रहता है, तार रहता है, एक वायर रहता है ए बी। ठीक है, वो बहुत ही लंबा है, बहुत ही लंबा एक तार रहता है। पकड़िए कि ये है आपका वो तार ए बी। चलिए, लेकिन ये जो तार है ये बहुत ही बड़ा होता है। बहुत ही बड़ा मतलब ये अप्रोक्सीमेटली 6 मीटर टू 10 मीटर इसका लेंथ रहता है। लेंथ का रेंज जो है वो 6 टू 10 वेरी करता है। तो आप ये इंस्ट्रूमेंट का साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा अगर आप ऐसे तार को रखेंगे, इसीलिए तार को हम ऐसे रखते हैं, ऐसे करके इसको एकोमोडेट करते हैं। ठीक है ना, ये 6 मीटर हो तो 1.5 मीटर का देर देर करके ऐसा जितना टर्न देंगे उतना छोटा होगा इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट कैसा छोटा करने के लिए हम लोग इसको ऐसे 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 करके डालते हैं। और जो ये जो ए बी वायर रहता है, इसका प्रॉपर्टी पोटेंशियोमीटर के लिए दूसरा तरह का प्रॉपर्टी चाहिए। क्या प्रॉपर्टी चाहिए? फर्स्ट लिखते हैं हम प्रॉपर्टी ऑफ द वायर। क्या है इसका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, जो रो है, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वो बहुत ही हाई होना है। ठीक है, बहुत ही हाई होना है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, बहुत ही हाई मतलब आपका जो छोटा सा भी हो उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, छोटा सा लेंथ का भी बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। और जो होना है क्या है कि जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो है वो बहुत ही लो होना है। कि टेम्परेचर के हिसाब से आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा उतार चढ़ाव होना नहीं मांगता है। ठीक है ना, तो ये आपका टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो है बहुत ही लो होना है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी मिला के जो मेटेरियल यूज़ करते हैं हम लोग, एक प्रॉपर्टी है मैंगनीन, एक जो मटेरियल है उसका नाम है मैंगनीन, नोट डाउन कर लीजिएगा। और दोनों हैं कॉन्स्टेंट हैं। ठीक है, ये दोनों मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं। तो क्या हुआ, जो वायर रहता है प्राइमरी सर्किट में, प्राइमरी सर्किट क्या है पोटेंशियोमीटर का? प्राइमरी सर्किट वो है जो किसी भी हालत में चेंज नहीं होगा। कुछ भी मेज़र करना होगा आपको, ईएमएफ मेज़र कीजिए या फिर आप इंटरनल रेजिस्टेंस मेज़र कीजिए, ये प्राइमरी सर्किट सेम रहेगा। तो प्राइमरी सर्किट का एक कंपोनेंट क्या हो गया? एक वायर है जो बहुत ही लंबा है, जिसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बहुत ही हाई है और टेम्परेचर कोएफिशिएंट बहुत ही लो है। मैंगनीन और कॉन्स्टेंट टर्न से बनता है ये। ठीक है, तो इसका लेंथ 6 मीटर टू 10 मीटर अप्रोक्सीमेट रहता है। ठीक रहता है। इसमें जो ए जो पॉइंट है और बी जो पॉइंट है, ए पॉइंट
जो ड्राइवर वोल्टेज जो है इसमें क्या रहेगा, दूसरा एक ड्राइवर वोल्टेज रहेगा, ठीक है, ड्राइवर वोल्टेज। ये ड्राइवर वोल्टेज सोर्स क्या करेगा, ड्राइवर वोल्टेज सोर्स रहेगा, सोर्स लिख सकते हैं हम इसको, ईएमएफ सोर्स भी लिख सकते हैं। ड्राइवर वोल्टेज सोर्स को हम ई दे के डिनोट करेंगे, ठीक है। ई का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो, जो पॉजिटिव टर्मिनल है ई का, वो ए के साथ कनेक्टेड होगा, ठीक है। ई का पॉजिटिव टर्मिनल ए के साथ कनेक्ट होगा, तो इसके इसमें इसका थोड़ा इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, बहुत ही कम होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा। इसके साथ वोल्टेज ही एडजस्ट करने के लिए, इसका आउटपुट वोल्टेज एडजस्ट करने के लिए एक रियोस्टेट रखेंगे हम लोग, ठीक है। उसको आर एच से डिनोट करेंगे, वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे तो इधर पे वोल्टेज कम आएगा, ये रेजिस्टेंस ज़्यादा आएगा, इधर का रेजिस्टेंस कम कर देंगे तो करंट, सॉरी, इस यहाँ का रेजिस्टेंस अगर कम करेंगे तो ज़्यादा करंट फ्लो होगा, ड्रॉप इधर ज़्यादा होगा, अगर ज़्यादा करेंगे तो कम करंट होगा, वोल्टेज ड्रॉप कम होगा, ठीक है। ये वोल्टेज डिवाइडर का काम करेगा, आके हम लोग ऐसे बी को लगाते हैं। तो ये हो गया प्राइमरी सर्किट आपका। तो क्या है, ड्राइवर वोल्टेज को छोड़ के क्या है, इसका तो एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, और तीन नंबर एक रियोस्टेट, क्या है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। काम क्या है इसका, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या करेगा, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस आपका डिजायर्ड आउटपुट देगा एक ए बी के अक्रॉस में, ठीक है। ये प्राइमरी सर्किट हो गया। और एक चीज़ डालते हैं हम यहाँ पे, एक चाबी डालते हैं, ठीक है, की लिखते हैं, कोई स्विच एस भी लिखते हैं, तो यहाँ पे एक चाबी डाल देते हैं इसको ऑन ऑफ करने के लिए। तो ये हो गया आपका प्राइमरी सर्किट। अब चलते हैं सेकेंडरी सर्किट की ओर। तो सेकेंडरी सर्किट में जो अननोन ईएमएफ सोर्स होगा उसको ढकना है हमको, और उसका ईएमएफ मेजर करना है। तो वो उसका भी पॉजिटिव टर्मिनल, पूरा जितना भी पॉजिटिव टर्मिनल है सब ए के साथ ही कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। तो यह हो गया आपका जो अननोन ईएमएफ है, और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करना है वो आपका ये है, ठीक है। तो ये एक गैल्वेनोमीटर के थ्रू, गैल्वेनोमीटर मेजर करेगा कि ये बैलेंस कंडीशन में है या नहीं, ठीक है। गैल्वेनोमीटर वो नाल टाइप इंस्ट्रूमेंट है। तो गैल्वेनोमीटर के थ्रू हम यहाँ पे एक जॉकी, जॉकी क्या है, ये ऐसे ऐसे मूव कर सकता है, ठीक है ना, ऐसे 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 मूव कर सकता है, स्मूथ रहता है, कोई फ्रिक्शन नहीं होगा ज़्यादा, कोई स्पार्किंग ज़्यादातर ज़्यादा नहीं होगा, ऐसा सिस्टम बनाते हैं हम जॉकी। तो ये हो गया आपका सेकेंडरी पार्ट, ये हो गया आपका सेकेंडरी पार्ट, मतलब इसको आप आपके हिसाब से थोड़ा थोड़ा बहुत इसका चेंज अप कर सकते हैं। अब तो सेकेंडरी पार्ट में क्या है, सेकेंडरी पार्ट में क्या रहेगा, रहेगा अननोन वोल्टेज सोर्स और सेल, दो रहेगा गैल्वेनोमीटर, तीन रहेगा एक चौकी, ठीक है। देखिए कोई दिक्कत नहीं, एकदम क्लियर है। प्राइमरी सर्किट, सेकेंडरी सर्किट, प्राइमरी सर्किट में हम क्या मेजर करेंगे, प्राइमरी सर्किट में, ये प्राइमरी सर्किट में क्या रहेगा, ड्राइवर, ड्राइवर ये में क्या करेगा, ये इसको चलाने के लिए काम में आएगा। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हमारे हाथ में नहीं है, वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सा सोर्स ले रहे हैं, उसके हिसाब से आर का वैल्यू आएगा। ये जो है एक रियोस्टेट है, जो वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, जिसको हम वेरी करके यहाँ का करंट कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ पे ए बी के अक्रॉस में वोल्टेज हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक स्विच है जिससे हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब ये काम कैसे करता है, तो ये करने के लिए एक नया टर्म आएगा जो हमको एक्सप्लेन करना है, नहीं तो ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको। वो है पोटेंशियल ग्रेडियंट, वो है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इसका ए बी का क्या है, स्पेसिफिकेशन बहुत हाई है, तो इसका रेजिस्टेंस कुछ है, इसका रेजिस्टेंस हम आर ऑफ ए बी को हम आर मान ले लेते हैं, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आर मान ले लेते, और हमको मालूम है कि रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, लेंथ के साथ प्रोपोर्शनल रिलेशन है, जितना भी लेंथ ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये पूरा रेजिस्टेंस अगर 100 ओम होगा तो आधा का कितना होगा, आधा का 50 ओम होगा, 1/4 का 25 ओम होगा। तो ये प्रोपोर्शनल रिलेशन से है, ठीक है ना, प्रोपोर्शनल है।
तो अभी ये पूरा ए बी का लेंथ हम मान लेते हैं, लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ ए बी इसको हम कैपिटल एन मान लेते हैं, ठीक है। तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट है, लिख लीजिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस, इसको आप फॉल भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल फॉल भी लिख सकते हैं, फॉल इन पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस पार, पोटेंशियल डिफरेंस पार, ये क्या हो गया आपकी, पार यूनिट लेंथ, ठीक है, पार यूनिट लेंथ ऑफ वेयर ए बी। तो अभी इसका इसका रेजिस्टेंस कितना है? इसका रेजिस्टेंस तो कैपिटल आ रहा है, ठीक है। इसका इसका जो वोल्टेज है, इसका वोल्टेज हम पकड़ लेते हैं, इसका वोल्टेज पकड़ लेते हैं वी है, इसके अक्रॉस में कितना वोल्टेज आ रहा है? इसके अक्रॉस में वी वोल्टेज आ रहा है। चलिए वी को भी हम मेजर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स क्या होगा आपका? पूरा वोल्टेज वी है, पार लेंथ आप एल से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका यूनिट क्या है? ये तो वोल्ट है और ये मीटर है, वोल्ट पर मीटर है, ठीक है, कोई बात नहीं, एकदम इजी बात है। तब ये भी क्या है? ये तो भी तो नहीं चाहता है, मांगता है। हम लोगों के पास क्या है? हम लोगों के पास ये ई मालूम है हमको, स्मॉल आर भी मालूम है, आर एच भी मालूम है, भी तो मालूम नहीं, तो भी का वैल्यू निकालना है हम लोगों को। तो भी कैसे निकाल सकते? पोटेंशियल डिवाइडर, और जो पोटेंशियल वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो डिवाइड हो जाएगा इसके और इसके अक्रॉस में, उससे निकाल सकते, या फिर करंट निकाल के निकाल सकते। तो ये इसमें भी कितना आएगा अगर ये सेकेंडरी सर्किट पकड़े कि नहीं, प्राइमरी सर्किट में इस ए बी में भी कितना आएगा, मतलब ई का कितना पोर्शन इधर आएगा वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो पकड़ लेते हैं कि आई आई कितना आएगा? आई आएगा वोल्टेज तो ई है, सप्लाई वोल्टेज, और रेजिस्टेंस एक स्मॉल आर है, एक कैपिटल आर एच है, और इसका रेजिस्टेंस हम मान ले लेते हैं कैपिटल आर, मान ले लेते हैं इसका रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ ए बी कैपिटल आर हमने ऑलरेडी मान लिया है, तो तीनों रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा, ये हो गया आई, ठीक है, ये आई आ गया आपका, ठीक है। ई एम एफ ई डिवाइडेड बाई तीनों रेजिस्टेंस का समेशन। और फिर भी कितना आएगा? भी आएगा आई इंटू आर, तो ई बाई स्मॉल आर प्लस आर एच प्लस आर इंटू आर, ये हो गया आपका भी, ठीक है। तो एक्स एक्स का हम नया फॉर्मूला लाएंगे, एक्स 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 की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम? भी के जगह पे ये लिख लेंगे ई बाई स्मॉल आर प्लस आर एच प्लस आर इंटू आर डिवाइडेड बाई एल, तो ये हो गया आपका एक्स, ठीक है, ठीक है। तो इससे हम एक्स निकाल सकते हैं। तो अभी इसका वर्किंग में घुसेंगे हम, ये कैसे वर्क करेगा इसमें घुसेंगे। तो चलिए, अगर ये अननोन, ये अगर अननोन ईएमएफ होगा, ये फार्मूला है हम लोगों के पास अभी, कौन सा फार्मूला है? ये फार्मूला है, तो भी का भी है, जो भी काम में लगेगा। अभी ये ई हमको मालूम नहीं ई कितना है, ठीक है, ये ई को निकालना है। तो ये हम बाजार से खरीद के लाए, एक बैटरी लिखा है तो 6 वोल्ट, हमको टेस्ट करना है ये 6 वोल्ट है या नहीं है। तो इधर पे जो है, इधर पे क्या है? इधर पे से ये 100 वोल्ट का सोर्स है, तो इसको वेरी करा के हम पकड़िए कि यहाँ पे हम लोग अभी 60 वोल्ट मिल रहा है। तो ये 60 वोल्ट में अगर ये आधा में आ जाएगा, ये जॉकी, ये जॉकी का काम क्या है? ये जॉकी का काम है हम लोग इसको ऐसे ऐसे घुमा के ऐसा जगह पे लाएंगे कि ये गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट नहीं है, नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है जे पॉइंट, इसको हम अगर जे पॉइंट मान लेते हैं, देखिए इसका भी पॉजिटिव ए के साथ कनेक्टेड है, इसका भी पॉजिटिव ए के साथ कनेक्टेड है, ए बी में कितना आ रहा है? ई का एक पोर्शन आ रहा है, ये आ रहा है ए बी में। ये ए बी का जो वोल्टेज है उसका कुछ पोर्शन इधर पे आ रहा है ये लेंथ में, क्योंकि ये लेंथ के साथ प्रोपोर्शनल है, लेंथ के साथ प्रोपोर्शनल है। लेंथ जितना ज़्यादा होगा, लेंथ जितना ज़्यादा होगा उतना आपका इधर का वोल्टेज होगा, पूरा का पूरा लेंथ का वोल्टेज 100 हुआ तो आधा का 50 होगा, 1/4 का 25 होगा, ठीक है ना। तो ये अगर आधा में रहेगा तो हम बोल दे सकते हैं कि इसका जो वोल्टेज है ए बी का, उसका आधा वोल्टेज ई एम एफ का वोल्टेज है। क्यों? क्योंकि हम इसको बैलेंस कर चुके हैं, गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जा रहा है, तो इसका जो ई एम एफ है वो ई जे पॉइंट का, ई जे पोर्शन का जो इतना भी वोल्टेज है उसका समान है, ठीक है, दे आर इक्वल, नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर।
ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके जॉकी को वेरी करके ऐसा जगह पे लाएंगे नाल पॉइंट। तो क्या फाइंड करना है हम लोगों को, एक नाल पॉइंट फाइंड करना है। नाल पॉइंट होने से क्या होगा, नाल पॉइंट होने से करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, हमको पकड़ लेते हैं कि ये इसको 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 इसको, इसको हम ऐसे पॉइंट पे लाए, पकड़िए कि सी पॉइंट है। ठीक है, सो वोल्टेज ऑफ ए सी, वोल्टेज ऑफ ए सी इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, सो वोल्टेज ऑफ ए सी हो गया आपका ई के बराबर हो गया, तब कोई करंट नहीं फ्लो होगा, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। वोल्टेज में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो उससे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, ठीक है ना, कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा, देख लीजिएगा कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा इधर पे। तो वी ए सी इज इक्वल टू हो गया आपका ई। ठीक है, तो वी ए सी भी आप आराम से निकाल सकते हैं, इसका लेंथ अगर एल होगा, लेंथ ऑफ ए सी अगर एल होगा, लेंथ ऑफ ए सी कितना है, एल पकड़ लेते हैं हम अभी, स्मॉल एल, तो पार यूनिट लेंथ तो हम निकाल ही दिए हैं, तो एल एक्स इक्वल टू ई होगा, यहाँ से आपको ई मिल जाएगा। पार यूनिट लेंथ है, पार यूनिट लेंथ का वोल्टेज है एक्स, तो एल लेंथ का वोल्टेज कितना होगा, एक्स लेंथ का वोल्टेज कितना होगा, एल एक्स होगा, वही ई के बराबर है, तो ऐसे आपको ई मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम दूसरा एप्लीकेशन करेंगे, अभी हम दूसरा एप्लीकेशन करेंगे। दूसरे में क्या करेंगे, जो अननोन रेजिस्टेंस है, अननोन रेजिस्टेंस हम अननोन सेल अभी हम निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके लिए सर्किट को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, लेकिन हम लोगों को मालूम है कि हम लोग तो प्राइमरी सर्किट में कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। इसके इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, ये तो ई हो गया आपका, ये कैपिटल आर भी आ गया जो वेरिएबल है, आर एच दिए थे हम, यहाँ पे एक चाबी है, और ये आ गया आपका ए बी, देख लीजिए ए का पॉजिटिव कनेक्टेड है, बी का नेगेटिव कनेक्टेड है इसे। अब जो जो सेकेंडरी जो सर्किट है, इसमें हम क्या करेंगे, पहले क्या था, पहले सिर्फ एक ऐसा एक था करके इससे हम गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिए। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे और एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अभी हम एक क्या करेंगे, हम लोग एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे, देख लीजिए एक यहाँ पे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा। तो ये हो गया आपका अननोन ई, तो इसको हम पहले बैलेंस कर दिए। ठीक है, इसको हम पहले बैलेंस कर दिए, यहाँ पे एक स्विच डाल देते हैं, स्विच टू डाल देते हैं, यहाँ पे स्विच वन है, स्विच टू डाल देते हैं, तो इसको पहले खुला रखेंगे हम। ठीक है, तो केस केस वन में क्या करेंगे, हम केस वन में क्या करेंगे, एस टू ओपन, एस टू ओपन करके क्या करेंगे, अभी ये इसको बैलेंस करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे, पकड़िए कि ये बी पॉइंट में आके सी पॉइंट में बैलेंस हुआ, सी पॉइंट में आके बैलेंस हुआ। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट आपको जीरो करना है। ठीक, गैल्वेनोमीटर के थ्रू में करंट जीरो करना है, कर दिया आप, ई बैलेंस हो गया, ई आप निकाल दिए, कोई बात नहीं, ई निकाल दिए, पकड़ लिए कि लेंथ आ गया आपका एल वन आ गया, तो आप लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू एक्स इंटू एल वन, लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। चलिए अभी क्या करेंगे, अभी हम ये बैलेंस है, अभी अभी बैलेंस है, अभी बैलेंस है, इसको हम क्लोज करेंगे। केस टू में क्या करेंगे बोलिए, केस टू में दिख रहा है आपको, हाँ ठीक है, तो केस टू में हम क्या करेंगे, केस टू में इसको बैलेंस करेंगे, किसको बैलेंस करेंगे, ये स्विच को पहले, एस टू को क्लोज करेंगे पहले, इसको क्लोज क्लोज करने से इधर करंट फ्लो होगा। हम सर्किट ड्रॉ करते हैं इसका अलग से, एक ऐसा है, तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, पकड़िए कि ये आर वन है, स्मॉल आर वन है, यहाँ पे और एक रेजिस्टेंस हम डाल दिए, अभी अभी कुछ ऐसा है, तो अभी इंटरनली करंट फ्लो, इधर पे करंट नहीं जा रहा है, क्यों, ये तो बैलेंस है, ये तो बैलेंस है आपका, आप तो कुछ नहीं कर सकते इसका, देख लीजिए ये तो बैलेंस है, लेकिन इधर पे कोई करंट नहीं जाना चाहिए था पहले पहले के हिसाब से। अभी क्या हो रहा है, जब भी आप ये स्विच क्लोज कर दिए हैं, जब भी, तब क्या होगा, ये डिसबैलेंस हो गया, क्यों, क्योंकि इधर पे तो अभी ड्रॉप हो रहा है, हाँ या ना,
पकड़िए, इधर 10 वोल्ट था, इधर पे 2 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा था, तो ये 8 वोल्ट आएगा अभी। लेकिन पहले क्या हो रहा था, इधर पे कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा था, बैलेंस कर दिए थे हम, तो अभी तो बैलेंस नहीं है। क्यों बैलेंस नहीं है? क्योंकि इधर पे अभी करंट फ्लो हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये तो दूसरा पाथ है, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे ऐसे जाके करंट फ्लो हो रहा है। हाँ या ना? देखिए ऐसे करंट फ्लो हो रहा है इंटरनल सर्किट में, तो ये तो डिसबैलेंस हो गया फिर। अभी तो ये डिसबैलेंस हो गया, ठीक है, देख लीजिए। तो अभी आपका जो वोल्टेज आएगा, पकड़िए कि ये इधर पे वोल्टेज है भी, अभी ये और ये सेम नहीं है, तो अभी जॉकी को फिर से आपको हटा के फिर से बैलेंस करना पड़ेगा। तो इस टाइम में अगर L2 आएगा आपका, तो V इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, X इंटू L2, जॉकी को थोड़ा सा घटा के इधर पे ला के बैलेंस करना पड़ेगा। तो फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पहले फर्स्ट केस में क्या था। फर्स्ट केस में ये जॉकी इधर पे था, ई को हम बैलेंस कर दिए, ई का बैलेंस कर दिए, एक सम को मालूम है, ई का वैल्यू निकाल लिए, ठीक है। अभी इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमको दूसरा जो सर्किट है सेकेंडरी का, इसका जो ये स्विच पहले ओपन था, इसको हम क्लोज कर दें। क्लोज करने से इधर पे इंटरनल करंट फ्लो होगा, तो इसके अक्रॉस में ड्रॉप होगा, अब ये और ये बैलेंस नहीं होगा। फिर आपको इसको हटा के थोड़ा सा घटा के आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसमें अगर L2 आएगा, दूसरा केस में L2 आएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं V इज इक्वल टू एक्स इन टू L2। क्यों V? क्योंकि ये वोल्टेज E नहीं आएगा, हमको मालूम है E वोल्टेज है हमारा, E के साथ इंटर अगर I करंट फ्लो होगा और इंटरनल रेजिस्टेंस इसका स्मॉल R है, इसे R1 पकड़ लिया हम, तो I इंटू R1 आएगा आपका V, ठीक है। ये मालूम है हमको बैटरी का सेल का फॉर्मूला। तो इससे हमको क्या निकालना है, R1 निकालना है, E हमको मालूम है, यहाँ से V हमको मालूम है, तो हम यहाँ से R1 निकाल सकते हैं, ठीक है। देख लीजिएगा एक बार, देख लीजिए एक बार। तो क्या करना है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट क्या करना होगा, इसको बैलेंस करना होगा, बैलेंस करके E का वैल्यू निकालना है। फिर हम लोगों को एक यहाँ पे ये स्विच स्विच को क्लोज करके इधर पे इसको इसमें करंट दौड़ाना है। तो जब भी करंट दौड़ेगा, इधर पे ड्रॉप होगा, ड्रॉप होने से ये डिसबैलेंस हो जाएगा, फिर से इसको बैलेंस करना होगा। अब जो वोल्टेज मिलेगा ये नहीं मिलेगा, ये क्या मिलेगा, ये वी मिलेगा। तो वी नया लेंथ L2 आएगा, तो उसको एक्स इंटू L2 हो गया। तो ये दोनों से हम लोग क्या, ये स्मॉल R1 का वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब बैटरी का जो अननोन रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिएगा, तब जाके आप उसको आपको समझ में आएगा। रिपीटेडली ये वीडियो देखिएगा, आपको एक आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू वेरी मच।